हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Y56 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है पासवर्ड लॉक सेट कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे, ठीक है। और ये पासवर्ड लॉक सेट होने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन की सेटिंग कैसे काम करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। सिक्योरिटी के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन लॉक पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्क्रीन लॉक के अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड का, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसके अगले पेज में आपको यहाँ पर जो है ना अपना पासवर्ड लॉक सेट करना है। पासवर्ड लॉक सेट करने के लिए आपको कम से कम 4 कैरेक्टर आपको यूज करने हैं। 4 कैरेक्टर से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप 4 कैरेक्टर से कम यूज करेंगे ना तो आपका यहाँ पे पासवर्ड लॉक सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप जो है ना पासवर्ड लॉक यहाँ पर जो है ना 4 कैरेक्टर या फिर उससे ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है इसे 1 2 3 4 यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए डाल देता हूँ, आप कोई भी दूसरे डाल सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन ये शो हो जाएगा, इसके सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड दोबारा से डाल देना जो पासवर्ड आपने पहले डाला था, ठीक है। इसके बाद आपको कंफर्म का बटन सिलेक्ट करना है तो आपको अगले पेज में डन का ऑप्शन आ जाएगा, अगर तो इसे सिलेक्ट करना है नीचे डन पे, ठीक है। तो आपका ये पासवर्ड लॉक इस तरीके से सेट हो जाएगा आपके मोबाइल फोन पे, ठीक है। अभी पासवर्ड लॉक सेट होने के बाद आपके मोबाइल फोन की सेटिंग कैसे काम करती है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब भी आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को ऑफ करेंगे फिर स्क्रीन को ऑन करेंगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे इस तरीके से पासवर्ड लॉक लगा हुआ दिखाई देगा। आपको यहाँ पे वही पासवर्ड एंटर करना है जो आपने सेट किया था। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो आपका फोन अनलॉक हो जाएगा इस तरीके से। तो ये मैंने आपको जो है ना ये बता दिया कि ये पासवर्ड लॉक सेट होने के बाद काम कैसे करता है, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप इस सेटिंग को अपने मोबाइल फोन में शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है स्क्रीन लॉक। आपको स्क्रीन लॉक का ऑप्शन टाइप करना है तो आपको नीचे स्क्रीन लॉक का ऑप्शन शो हो जाएगा। आपको स्क्रीन लॉक का ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके नीचे सेटिंग सिक्योरिटी लिखा होगा, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।